देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू टार्जन और आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर, जय माता दी ट्रेडर्स में कृषि विभाग ने मारा छापा। जिला कृषि पदाधिकारी सीतामढ़ी के आदेशानुसार पुपरी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी मुन्ना कुमार निषाद, बेलचंड अनुमंडल कृषि पदाधिकारी रवि राजकुमार, नानपुर प्रखंड कृषि पदाधिकारी अरविंद कुमार राम के नेतृत्व में नानपुर प्रखंड के मोहिनी महुआ गाछी में जय माता दी ट्रेडर्स में छापेमारी की गई है। पदाधिकारी द्वारा अवैध रूप से खाद और नकली खाद बेचने की सूचना मिली थी, जिसके बाद जिला कृषि पदाधिकारी ने टीम गठित किया और छापेमारी की गई। इस क्रम में भारी तादाद में नकली खाद और अवैध खाद भी बरामद किया गया। छापेमारी के वक्त दुकानदार मनोज कुमार फरार रहा। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी रवि राज ने बताया कि छापेमारी के बाद नानपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। बताते चले कि अभी सिर्फ एक साल पहले मनोज कुमार के बगल में ही उसके भाई की दुकान में भी छापेमारी हुई थी, जिसमें भारी संख्या में नकली खाद की बोरी एवं भारी मात्रा में नकली खाद बनाने की सामग्री भी मिली थी। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना।